एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल भाविनी उमेश एंटरटेनमेंट। और मैं पहुंच गई हूँ जसीदी आफ्टर 33 आवर्स ऑफ जर्नी ट्रेन में। बाय मिस्टेक मैंने ट्रेन ले ली थी और मैं 33 आवर्स जर्नी के बाद पहुंची हूँ यहाँ पे जसीदी में। और बहुत अच्छी भी थी और मुझे एक फैमिली भी बहुत अच्छी मिली यहाँ पे, जो यहीं पे रहते हैं, उनका ससुराल है, तो उनसे बात करते हुए और सब फैमिली के साथ रहते हुए बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से उनसे वापस से भी मिलेंगे हम लोग। और मैं यहाँ पे आई हूँ बैद्यनाथ टेम्पल जाने के लिए, जो मेरे ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। मैंने दादर से ट्रेन ली थी, वैसे CST से आती है दादर में, मैंने 11:15:17 को आती है मॉर्निंग में, जो यहाँ पर पहुँचाती है दूसरे दिन 6:30-7:45 बजे। और ये जर्नी करके फिर मैं अभी पहुँची हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ टूवर्ड्स माई होटल और ये है मेरी ट्रेन जो अब जा रही है। हेलो, ये देखिए मैंने आपको जैसे बोला कि ट्रेन में मिले मुझे एक फैमिली, ये है उनकी डॉटर और आगे बैठे हैं वो भैया। और ये देखिए यहाँ पे वीडियो निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये रहे। तो हम लोग दादर से सब साथ में बैठे थे और साथ में यहाँ पे जसीदी तक उतर गए। अब मुझे वो लोग ड्रॉप कर रहे हैं जहाँ पे मुझे जाना है, ये देखिए अब वो मुझे ड्रॉप करेंगे। अच्छा है आपको जब अनजान शहर में कुछ पता नहीं है और इतने अच्छे मिल जाए फैमिली, तो बेस्ट हो जाता है, ये पता है। चलिए तो आपसे मिलती हूँ मैं सीधा होटल पे। बैटरी ऑटो सेम जैसे वाराणसी में था वैसे ही चल रहा है यहाँ पे भी। ये फाइनली पहुँच गई हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मतलब इतने इतना ट्रैवल करने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छा फाइनली मैं पहुँच गई हूँ टेम्पल में जाके। वहाँ पे क्या क्या मुझे ऐसा पता चला कि वहाँ पे 22 टेम्पल है, जैसे वहाँ पे रामेश्वरम में 22 कुएं के पानी से नहाना था, वैसे यहाँ पे 22 एक साथ में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसे बने होंगे वो और कैसे होगा सब। मिलते हैं आपसे। बैटरी ऑटो में मुझे उन्होंने ड्रॉप किया यहाँ पे और मैं अब चल चल के अंदर जा रही हूँ। यहाँ से सीधा रास्ता है, जैसे ही जाते जाऊँगी वैसे सामने ही टेंपल है सब बोला मुझे तो। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप भी है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए सब शॉप है, ये देखिए यहाँ पे भी ये रास्ता है बस जा रही हूँ। फाइनली मैं पहुंच गई। ये तो आप देख ही रहे हो कि भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे।
और अभी बना और इसके बाद मुझे जाना है यहाँ से पार्वती टेम्पल। तो पार्वती टेम्पल में भी बहुत रश होता है ऐसा मैंने सुना है, वहाँ पर डिजाइन होती है, पर भीड़ तो नहीं रही है, यहाँ से सामने ही है पार्वती मंदिर। तो देखते हैं जितनी लाइन है और क्या है, और अगर डायरेक्ट जाना हुआ तो बेस्ट है यार, क्योंकि ऑलरेडी इतना रश है यहाँ पर, मैं तो थक गई हूँ अभी से, कुछ दिखाया भी नहीं है, और यहाँ दिन में भूख लग रही है और गर्मी बहुत लग रही है। ये जाता है यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ के मंदिर के ऊपर से बांधते हुए शादीशुदा जोड़े होते हैं वो बनवाते हैं, पूरा गेट वहाँ से जाता है। जैसे बस वैसे ही तो मैं तो अकेले आई हूँ तो कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ से वहाँ अच्छा बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत रश था और अंदर पूरा छूने देते हैं शिवलिंग को, ये बहुत अच्छी बात है, तो दर्शन बहुत अच्छे हो गए। तो मिलते हैं अभी यहाँ से बाहर निकल के आप। पेड़े की दुकान है, बैंगल्स बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है, पर अभी मुझे इतनी सारी भूख लग रही है ना, तो मैं अभी कुछ भी खरीद नहीं रही हूँ, और मैं सिर्फ पी रही हूँ यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय जो यहाँ पे फेमस है, सब जगह पे मिलती है वैसे तो, बट यहाँ पे कुछ खास है मिट्टी में, तो वो पी के फिर मैं जाऊँगी शायद से कुछ खाने, और फिर यहाँ से नौलखा टेम्पल जाना है, वहाँ पर जाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे, हेलो। मैं ये तो ये बैटरी ऑटो जो है ना, बस इसमें आ गई मैं जा रही हूँ अब नौलखा टेम्पल, यहाँ से 20 रुपीज़ उन्होंने बोला 20 रुपीज़ में लेके जा रही हूँ, और फिर कल मैं जा रही हूँ शायद से बासुकीनाथ टेम्पल जो यहाँ पे सबसे बड़ा टेम्पल है, तो इसके लिए भी मैंने उनसे इंक्वायरी कर ली कि कहाँ से कैसे जा सकते हैं, बिकॉज नया एरिया है तो समझ में नहीं आता है कहाँ से कौन कितना बोलेगा, कितना लेके जाएगा कैसे। तो एक अंकल अच्छे मिले थे जो जहाँ पर मैंने जो कुल्हड़ वाली चाय ली थी वो अंकल से सब मैंने पूछ लिया, तो बात मिलती है आपसे। तो 1 बजे 2 बजे तक बंद रहता है, 2 बजे खुलेगा, तो मैं वापस जा रही हूँ यहाँ से। ये देखिए ये पीछे है नौलखा टेम्पल, यहाँ इसका गेट तो बंद है, जाऊँगी कैसे अंदर। देखिए यहाँ पे बिली पत्र का पेड़ भी है, ये रहा, बहुत धूप लग रही है, मैं तो जा रही हूँ वापस। टेम्पल बंद था उसका टाइमिंग से, तो 2 बजे खुलने वाला था, बट मैं रुक नहीं सकती, वहाँ पे बहुत धूप थी और थकान भी थी, तो चली गई। फिर अब मैं जा रही हूँ वापस से, क्योंकि 7 बजे तक खुला रहता है टेम्पल, और यहाँ की अच्छी बात है कि यहाँ पे बैटरी ऑटो है, तो अब तक नहीं जा सकते, चलते हैं वापस से, अभी अंदर से देखने को मिलेगा नौलखा टेम्पल। मैं पहुंच
गई हूँ नौलखा टेम्पल और ये है पीछे, फाइनली मैं अंदर आ गई। सो हम लोग हैं अभी यहाँ पे नौलखा टेम्पल में जिसके कंस्ट्रक्शन में लगे हैं 9 लाख रुपए, इसलिए इसका नाम पड़ा है नौलखा टेम्पल। और ये जिसने बनवाया है, जिसने डोनेट किया है 9 लाख रुपए, वो है चारुशीला देवी, जो कोलकाता से है और रानी है। उन्होंने 9 लाख रुपए पूरे डोनेट किए थे ये बनवाने के लिए, और इसलिए इसका नाम है नौलखा टेम्पल। Bye bye. Good night.